हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवल टेक में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने फ़ोन पे पर जो रिवार्ड आपको मिलता है कैशबैक के रूप में, उसको अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हमें रिवार्ड जो मिलता है फ़ोन पे पर, उसको हम या तो मोबाइल रिचार्ज या ऑनलाइन शॉपिंग में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं एक सिंपल स्टेप में आपको बताऊँगा कि आप अपने फ़ोन पे पर जो भी रिवार्ड कैशबैक के रूप में मिलता है, उसे अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो भी दोस्तों, आपको कोई भी KYC करने की भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक फ़ोन पे पर अपना अकाउंट नहीं क्रिएट किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके अपना नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, जब वहाँ से आप नया अकाउंट बनाएंगे, तो आप जब फर्स्ट मनी ट्रांसफ़र करेंगे, तो आपको रिवार्ड के रूप में कुछ कैशबैक मिल जाएगा। तो दोस्तों, सब कुछ जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो चलो दोस्तों, देरी न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक के ओर। तो जैसा कि दोस्तों हम आ गए हैं अपने फ़ोन पे अकाउंट पे, दोस्तों यहाँ मैं रिवार्ड में देख ले रहा हूँ मेरे पास कुछ रिवार्ड है या नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो 115 रुपये मुझे रिवार्ड के रूप में मिला था, जिसमें मैं कुछ रिचार्ज में यूज कर चुका हूँ। कितना बाकी है ये मैं अभी देख ले रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कितना रिवार्ड अभी शेष बचा है मेरे में, तो दोस्तों आपको किसी मोबाइल रिचार्ज पे सिंपली कर देना है क्लिक, और दोस्तों आपको सिंपली नीचे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, फ़ोन पे वॉलेट कैशबैक 15 रुपये अभी मेरा इसमें पड़ा हुआ है। तो दोस्तों चलो, मैं इसको विड्रॉल करने का तरीका आपको बताता हूँ कि आप इसे अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिंपली मैं यहाँ से बैंक चला जाता हूँ, और दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा एक माई मनी, इस पर आपको सिंपली कर देना है टैप। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक गोल्ड का ऑप्शन दिखेगा, गोल्ड पे आपको सिंपली टैप कर देना। दोस्तों, आप यहाँ पे 1 रुपये से लेके जितने रुपये तक चाहें गोल्ड खरीद सकते हैं, और ख़रीद के अपने वॉलेट में रख सकते हैं, और जब चाहें जब इसे बेच भी सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे वॉलेट में जो 15 रुपये पड़ा था, उसका मैं यहाँ पे गोल्ड ख़रीद लूँगा। दोस्तों, सिंपली आपको टैप करना है यहाँ पे गोल्ड पे, बाय गोल्ड पे। उसके बाद दोस्तों, आप कौन सा गोल्ड ख़रीदना चाहते हैं, यहाँ 2 वैरायटी दे रखा है। मैं यहाँ सेफ गोल्ड पर क्लिक करता हूँ, और दोस्तों मेरे वॉलेट में 15 रुपये था। मिनिमम आप 1 रुपये से यहाँ गोल्ड ख़रीद सकते हो। तो दोस्तों, मैं 15 रुपये का यहाँ पर गोल्ड ख़रीद ले रहा हूँ। जितना ग्राम आएगा ये सब बता देगा। प्रोसेस टू पेमेंट पे आपको सिंपली कर देना है क्लिक। उसके बाद दोस्तों, ये 15 रुपये आपके वॉलेट में पड़ा हुआ है, इसी का मैं गोल्ड ख़रीद ले रहा हूँ। यहाँ पे बाय गोल्ड पे क्लिक करना है आपको सिंपली। यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन अभी सक्सेसफुल हो गया है। दोस्तों, मेरा गोल्ड मैं यहाँ से ख़रीद चुका हूँ। अब दोस्तों, इसको आपको बेचना होगा, तभी आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। तो दोस्तों, आपको बेचने के लिए सिंपली यहां से बैक हो जाना है, और दोस्तों यहां पे बैक हो जाने के बाद दोस्तों सिंपली फिर आपको माई मनी पे आना है। माई मनी पे जब आप गोल्ड पे जाओगे, तो दोस्तों यहां पे जो आपने गोल्ड ख़रीदा है सेफ गोल्ड, इस पर जब आप सिंपली क्लिक करोगे, तो दोस्तों आपको यहाँ वैल्यू दिखाई देगा, कितना वैल्यू को आपने ख़रीदा था, इस समय कितना वैल्यू इसका चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे यू नीड मिनिमम गोल्ड वैल्यू आप 5 टू सेल। आप 5 रुपये से नीचे का गोल्ड नहीं बेच सकते हैं, ऐसा ये बता रहा है। तो दोस्तों, आपको सेल करना है सिंपली यहाँ पे, तो अमाउंट यहाँ पे आपको डाल देना है। दोस्तों, अमाउंट भरते समय ये ध्यान रहना चाहिए कि पॉइंट में नहीं होना चाहिए, अमाउंट आपका सीधे 1, 2, 3, 4 में ऐसे में होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अभी मैं इसको सेल नहीं कर सकता हूं, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी इसको ख़रीदा है, और ये ख़रीदने के 24 घंटे के अंदर आप इसको सेल नहीं कर सकते हो, 24 घंटे के बाद ही आप इसको सेल कर सकते हो। तो दोस्तों, इसीलिए मैं अभी इसको सेल नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, आप जब कोई भी गोल्ड ख़रीदोगे, उसके 24 घंटे बाद आप उसको सेल कर सकते हो, और सेल जैसे ही करोगे दोस्तों, उसके बाद ये पैसा आपका सीधे बैंक अकाउंट में चला जाएगा। दोस्तों, ये नीचे बैंक अकाउंट जो आपका यहाँ पे लिंक है, उस बैंक अकाउंट में ये पैसा डायरेक्ट चला जाएगा। तो दोस्तों, आप ऐसे कैशबैक को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो गोल्ड खरीदने के बाद। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर कर देना। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, वंदे मातरम।